सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटर्स व्लॉग। आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो एक गाड़ी आया हुआ है ट्रैवलर 26 और इसका हम लोग आज डिटेलिंग करने वाले हैं। काफ़ी सारा काम है इसमें, आपको दिखाता हूँ इसका क्या कंडीशन है और क्या क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले सामने से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए इसका बम्पर यहाँ पर काफ़ी जगह क्रैक है, ये सब क्रैक को ठीक करना होगा, ठीक करके ये पेंट होगा। और आप देख सकते हैं गाड़ी थोड़ा नीट नहीं लग रहा, मतलब एक तो गंदा है, गंदा तो साफ़ हो जाता है, लेकिन इधर स्टिकर वगैरह का काम किया हुआ था, वो सब को साफ़ करना होगा। मतलब पूरा नया जैसे बढ़िया अच्छा लुक में इसको वापस करना होगा। और हर तरफ से आप देख लीजिए, इधर तो ये गंदा है, बाकी ये क्लियर हो जाएगा। इस साइड में भी गंदा है। सबसे मेन जो काम था इसका वो मैं आपको बताता हूँ, अंदर में चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, बम्पर में क्या काम है ये सब देख सकते हैं। ये कहीं पे क्रैक हो गया था, क्रैक होने के बाद इसको एक प्लेट लगा दिया जो भद्दा लग रहा है देखने में, इसको करना होगा अच्छे से। यहाँ पर भी एक किया हुआ, इसको अंदर से करने की कोशिश करेंगे और बढ़िया से फिनिशिंग दे देंगे, जैसे कि कुछ नहीं हुआ था। अंदर चल के आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन है। अगर आप सीट देखेंगे तो सीट का हाल बहुत ख़राब है, मतलब सीट कभी भी ड्राई वॉश नहीं किया गया और बहुत गंदा लग रहा है देखने में सीट। शैम्पू इतना सारा हम लोग ने ले लिया, पूरा गाड़ी का भी ड्राई वॉश करेंगे अंदर से। आप देख सकते हैं पूरा ही गंदा गंदा है, ये वाला एरिया पूरा गंदा है, इधर भी सीट का हाल तो आप देख ही रहे। तो ये सीट पूरा कोशिश करेंगे कि नया जैसे हम लोग इसको कर दें। और नीचे का जो फ्लोर है ये भी गंदा है, आप देखिए इधर हर तरफ गंदा गंदा है। तो ये पूरा काम हम लोग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना बढ़िया से ये बन जाता है। ये देखिए साइड का जो भी है ये सब कितना गंदा होकर रखा है, ये पूरा अंदर से ड्राई क्लीन होगा। तो गाड़ी हम लोग के पास इसीलिए आया कि पूरा नीट एंड क्लीन करवाना था। पीछे का सीट आप देखिए क्या हाल है, पीछे का सीट का पैसेंजर जाना ही नहीं चाहेगा। देखिए तो चलिए काम शुरू करते हैं और आपको जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे दिखाते रहेंगे। सो वेलकम गाइज, और आज है day 3 और काफ़ी काम हो चुका है। आपको दिखाते हैं कहाँ तक काम हुआ है और क्या क्या काम बाकी है अभी भी। तो पीछे का कैमरा घुमाना पड़ेगा नहीं तो आप कैसे देखेंगे। तो अंदर से आप देख सकते हैं ये जो सीट था ये एकदम क्लियर हो चुका है, एकदम बढ़िया ड्राई वॉश करने के बाद एक भी इसमें दाग धब्बा नहीं है। कोई कोई सीट में थोड़ा बहुत दाग है, उसको फिर से अलग से करना होगा, इसको वापस कर देंगे। पीछे आप देख सकते हैं पीछे का जो सीट है इसका दो रो खोल दिया हम लोग ने और यहाँ पे तो डिक्की बन जाएगा पीछे से, मतलब पीछे से आप यहाँ पे हम लोग डिक्की बना रहे हैं। तो जो सीट था वो सीट को हम लोग ने रेज करके बना दिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ देर बाद। और आप गंदगी देख सकते हैं
कि यहाँ पे सीट खोलने के बाद कितना गंदा है हर तरफ। मतलब कभी भी ये गाड़ी साफ सफाई नहीं किया गया शायद। तो ऐसा कुछ कंडीशन है गाड़ी का। तो अंदर का तो आपने देख लिया, और बाहर का दिखाते हैं, बाहर में क्या कंडीशन है अभी। बाहर का अभी भी बॉडी का काम बाकी है। आप देख सकते हैं कितना गंदा है बॉडी। अब पूरा बॉडी ऐसे साफ करेंगे। ये नीचे का देखिए कितना गंदा है। सामने के साइड भी थोड़ा सा काम बाकी है। ये सब बाहर का काम अभी भी बाकी है। अंदर का काम करते करते टाइम बहुत लग जा रहा। ये लाइट सब चेंज करना होगा। और इस साइड भी गंदा है, इसको भी धोएंगे। तो चलिए लगाते हैं वॉशिंग सेंटर पे और आगे काम करते हैं। वेलकम टू डे 4। सो कल को पूरा रात हमने काम किया और गाड़ी का काम ख़त्म कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको और एक बार बता देता है कि इसमें क्या क्या काम हमने किया। सबसे पहले तो बम्पर पूरा, यहाँ पे ऐसे क्रैक था, यहाँ पे क्रैक था, वो क्रैक पूरा मिटा दिया। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत क्रैक था, उसको मिटा दिया पूरा। बम्पर को ब्लैक कर दिया, और ये रेडिएटर का ग्रिल को भी ब्लैक कर दिया, मैट ब्लैक है। और साइड से अगर आप देखेंगे तो इधर का एक ऐसे साइड स्कर्ट बना दिया जो था पहले गाड़ी में, लेकिन इसको ब्लैक कर दिया। अब देखने में अच्छा लग रहा है, पीछे वाले के साथ मैचिंग हो गया। पीछे वाला जो होता है वो कंपनी से दिया हो रहा था। उस साइड चल के बात करते हैं क्योंकि गाड़ी आ रहा। इस साइड आप देखेंगे तो जो चक्के हैं उनका कलर ब्लैक कर दिया, मैट ब्लैक। और साइड से पूरा ऐसे मैट ब्लैक कर दिया। मैट ब्लैक में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है गाड़ी। ये गाड़ी काफ़ी दिन हो गया, लेकिन फिर भी इतना अच्छा कंडीशन में हम लोग ने इसको वापस कर दिया है। अभी एकदम टिप टॉप लग रहा है। अंदर से भी आपको दिखाते हैं, अंदर से एक बार कैसे काम हुआ है आपको दिखा देते हैं। ये जो लाइट था पहले, ये लाइट को हमने खोल दिया ऐसे नॉर्मल, अभी कोई बम्पर नहीं है। अंदर का आप देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका। डैशबोर्ड पूरा साफ़ कर दिया, बोनट साफ़ कर दिया। नीचे का जो मैट था ये भी गंदा था, ये भी साफ़ हो गया पूरा। जैन साहब तो पीछे चल के आपको दिखाते हैं मेन जो काम हुआ वो पीछे है। मेन काम दिखाओ। और आप देख सकते हैं ये जो सीट का ड्राइवर हमने किया है, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पता नहीं चल रहा है कि ये पुराना सीट है, लग रहा है कि नया सीट लगाया गया। पहले तो आपने देख ही लिया पहले का सीट कैसा हाल था, अभी तो एकदम साफ सुथरा लग रहा। सबसे मेन काम जो हुआ है वो सीट को हाइट किया गया है। पीछे का जो सीट था वो पहले ऐसे पिलर में था, आपको नीचे से दिखाते, ऐसे अलग अलग पिलर में था। तो पिलर में होने की वजह से यहाँ पे जो स्पेस होता है वो स्पेस नहीं था। अभी पीछे से स्पेस हो गया, यहाँ पे डिक्की बन गया, और यहाँ पे लगेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो सीट काफ़ी हाइट हो गया, और यहाँ से बहुत कमांडिंग व्यू मिलता है, एकदम ऊंचा ऐसे। ये सब भी साफ़ किया है, जितना हो सके हमने साफ़ किया। चलिए आपको पीछे से एक बार दिखा देते, पीछे से डिक्की कैसे लग रहा है देखने में। तो पीछे से आपको गेट खोल के दिखाते हैं पीछे से कितना स्पेस बन गया। यहाँ पे आराम से काफ़ी सारे बैग वगैरह हट सकते हैं। ये सीट काफ़ी हाइट हो गया, और देखने में अच्छा भी लग रहा है अंदर से। चलो बंद कर दो। सो ऐसा करते हैं, आपको हमारा काम अच्छा लगा होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरा वीडियोस देखते रहिए। बाय।